लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा लगातार अपने कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भर रही है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से ओवर कॉन्फिडेंस में न रहने को कहा है। उत्तर प्रदेश कार्यालय पर पार्टी की बैठक में बोलते हुए भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि गलतफहमी में न रहें कि डबल इंजन की सरकार है या राम मंदिर का विषय है तो चुनाव में सब कुछ अच्छा ही होगा। कहा, जिस प्रकार पहिए को निरंतर चलाने के लिए उसके टायर में हवा भरने के लिए पंप मारना जरूरी है, उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी माहौल को बनाए रखने के लिए बूथ स्तर पर बड़ी मेहनत करनी होगी। वे पार्टी मुख्यालय में संगठन की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। पांडा ने कहा कि अवध की 16 में से 13 लोकसभा सीटें 2019 में भाजपा ने जीती थीं, लेकिन 2024 में अवध क्षेत्र की श्रावस्ती, अम्बेडकरनगर और रायबरेली सीट भी जीतनी है। इसी तरह मुरादाबाद मंडल की हारी हुई सीटें जीतने को भी अभियान चलाने को कहा। उन्होंने क्षेत्रीय पदाधिकारियों, लोकसभा प्रभारियों व संयोजकों और जिला प्रभारियों व जिला संयोजकों से कहा कि जहां जिन सीटों पर पार्टी हारी थी वहां कुछ कमियां रही होंगी, हमें कमियों को दूर करते हुए बूथ स्तर तक संगठनात्मक ढांचा मजबूत करना है ताकि परिणाम पार्टी के अनुकूल आए। मंडल, बूथ और सेक्टर स्तर तक लगातार मॉनिटरिंग करें। सी श्रेणी के बूथों वाले क्षेत्रों में मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की वॉल पेंटिंग अधिक से अधिक कराएं। उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों और अभियानों की भी समीक्षा की। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि यूपी की सभी 80 सीटें इस बार पार्टी जीतेगी। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने संगठनात्मक संरचना और बूथ समितियों सहित अन्य मुद्दों की जानकारी दी।